हेलो दोस्तों, ये है पोकलेन और इसकी इंजन इतने ज़्यादा हीट हो गई थी तो चेक करने के बाद पता चला इसका बेल्ट जो था वो टूट गया था। तो देख पा रहे होंगे इसका बेल्ट हम फिटिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में बस ये बताने वाले हैं कि बेल्ट को किस तरह से इसमें लगाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बेल्ट लेना है आपको और बेल्ट लेने के बाद ये जालू जाली को आपको चारों तीनों बोल्ट खोल लेना है। आप चाहे तो इसको बाहर भी ले सकते हैं लेकिन एक बोल्ट नहीं खोल रहा था इसलिए हमने अभी इसको बाहर नहीं निकाला है और बेल्ट को लगा कर ट्राई कर रहे हैं ताकि हमारा बेल्ट लग जाए बिना जाली खोले हुए। तो देख पा रहे हमने बेल्ट को अंदर तो ले लिया है। अब इसको बेल्ट जो फंसाने का सिस्टम है, ये एक एक फैन में पहले अंदर डालना है। एक एक फैन में अंदर डालने के बाद फिर आपको पुल्ली के साइड में लेना पड़ेगा। तो आप वीडियो को देखें ध्यान से। हाँ चलो, वहाँ से है ना जान। तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि फैन बहुत बड़ा है और बेल्ट बहुत छोटा है, क्या हो पाएगा? नहीं, हो जाएगा। उल्टा लग नहीं ना, ठीक है सही तो लगा। नहीं, मेरे को लगा कि उधर जा रहा है क्या, अंदर। तो दोस्तों, बेल्ट को हमने सब फैन में लगा करके अंदर बाजू से ले लिया है पुल्ली के साइड में। देख पा रहे होंगे आप ये जो बेल्ट है ये पुल्ली के साइड में आ गया है। अब हमें ये लगाना पड़ेगा, हर एक पुल्ली में सही से फंसाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये अब जाली को हमें शायद ऊपर निकालना ही पड़ेगा। ये सेफ्टी जाली जो है फैन का बाहर ही निकाल लेते हैं। वो बोल्ट जो था वो खोल लिया हमने, अब ये सेफ्टी जाली जो है बाहर निकाल ले रहे हैं ताकि बेल्ट बैठाने में प्रॉब्लम ना हो। आप भी पहले जब भी बेल्ट इसका बैठाएं तो सेफ्टी जाली खोल लें ताकि बेल्ट बैठाने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और फटक से बैठ जाए आपका बेल्ट। ओके, तो देख पा रहे होंगे ये बेल्ट है जो कि फैन से हमने अंदर लिया है। पहला फैन में फंसा फंसा करके एक बार एक एक फैन में फंसा करके आपको अंदर लेना पड़ेगा और फिर अब सब पुल्ली में, जितने भी पुल्ली में जिस तरह से बेल्ट लगा हुआ रहता है उस तरह का से आपको लगाना है। और ये एडजस्टेबल है जिसको आपको ऊपर उठा करके बेल्ट को फंसाना रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे सही से सब कुछ जैसा कि पुल्ली में लगा रहता है, बस हर तरह से फिटिंग उसी तरीके से करना है। तो बार अगर तीन तीन बार क्यों बोल रहा था? उठता क्या, चेक किया खाली, किया कुछ नहीं। तो दोस्तों, व्हीकल से जुड़ी रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड कर रखी है चैनल पे। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे हर एक गाड़ी का, हर एक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम मिलता गया मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता गया हूँ। तो आप चैनल पे जाएंगे तो आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा वीडियोस। पहले नीचे फंसाना पड़ेगा ना भाई, नीचे फंसाना पड़ेगा, लेकिन नीचे फंसन जाएगा तो ऊपर लगता नहीं, नहीं तो नीचे फंसा के खींच के लगाया रैक ना। हमारा हाथ घुसते है मोबाइल कहीं भी कुछ नोट मोबाइल बता दे रहा है। बैठ गया नीचे को, चल हाँ चल, नीचे का बैठा हुआ है अब इधर। तो मेरे को पता है। हाँ चल, सब जगह बैठ गया, वाटर पर बैठ गया। अच्छा उल्टा है ना इस पर। हाँ तो दोस्तों, सब जगह बेल्ट जब आपका पुल्ली में, सब जगह सब पुल्ली में फंसने के बाद
एक 13 नंबर का रिंग पाना लेना है, 12-13 का रिंग पाना, और रिंग पाना से वो जो एडजस्टेबल पुल्ली है इसको पुल्ली में फंसा करके आपको ऊपर उठाना है। अब जिस तरह ऊपर उठाएंगे वो बेल्ट आपका लूज होगा, यानी कि आपको जगह मिलेगा और आप फिर अल्टरनेटर के पुल्ली में फंसा सकते हैं। और अगर पुल्ली में फंस जाएगा तो आपको फिर वो पुल्ली एडजस्टेबल को छोड़ देना है, उस तरह से आपका बेल्ट बैठ जाएगा। उठा इसको, उठा के पीछे खींच, पूरा दबा के अंदर, हाँ छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं तो हाथ दबेगा उधर। उठा तो भी ऐसा लगाना कि अगर छोड़ भी जाए तो प्रॉब्लम ना हो, उंगली फट जाए। टाइट है बाबा, और उठा उठा, और छोड़ना नहीं पाना। उठा ना, तो मैं लगाता हूँ। रुक रुक रुक, डाल मत हाथ। हाथ नहीं डाल रहा हूँ मैं, बेल्ट पकड़ा हूँ, तो नीचे गिर जाएगा। उठा, खत्म खत्म। कहीं तो दिक्कत हो रहा है, खत्म कैसे? छोड़, रुक रुक। हाँ चल, नीचे तक लगा के बराबर, बाकी सब जगह लगाए, खींच के डालना पड़ने वाला। पकड़ तो मोबाइल, तो उठा दिखाते रहना। रुक उठा उठा रुक। हाँ तो दोस्तों ये नया बेल्ट है, और दूसरी बात ये कि गर्म है, बहुत ज़्यादा इंजन गर्म है, क्योंकि बेल्ट अभी टूटा था और अब और इसे अभी हम फिट कर रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और टाइम भी लग रहा है और परफेक्टली बैठ नहीं पा रहा, इसी कारण शायद ये फिट नहीं हो पा रहा। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियो में आगे तक। तो वो संभाल के रखा लिया, और बेल्ट पकड़ना, बेल्ट में पकड़ दूँ जी। तो इसने रोटा में इस पर घुसा दूँगा, उस पर घुसा, हाँ वाटर पंप पे। बेल्ट अच्छा भी है। ओके रुक जा, स्लिप करने जैसा लग रहा है। दो टाइट है भी, उठे नहीं आता, पूरा बेल्ट टाइट हो गया ना। ए रुक रुक रुक, छोड़ छोड़, स्कूटर और चाहिए रही इसमें घुसने के लिए पानी में। दोस्तों प्रॉब्लम यही था, सही से एक नीचे वाले पुल्ली में नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम हुआ बैठाने में। तो देख पा रहे होंगे अब ये जो है सही से बैठ गया है, सब पुल्ली में सही से बैठ गया, बैठने के लिए फटाक से बैठ जाता है। बस दिक्कत ये हो रहा था कि वो नीचे वाले पुल्ली में नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए परेशान हो गया थोड़ा। बाकी बैठाने के लिए इसको आराम से आप बैठा सकते हैं, नया बेल्ट रहेगा तो थोड़ा जाम बैठेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बैठ जाएगा आसानी से। ओके तो दोस्तों अब इसको मैं जाली जो ओपन किया था, सेफ्टी जाली, अब फिर से इसको फिटिंग कर ले रहा हूँ, और हर एक बोल्ट को सही से टाइट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चलता है फुल स्पीड में, तो लूज़ अगर कोई भी बेल्ट रहेगा, कोई भी बोल्ट लूज़ रहेगा तो बोल्ट गिर सकता है, इसलिए सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट करना है यहाँ पर, जितना भी बोल्ट आप ओपन करते हैं जाली खोलने के लिए।
दोस्तों अभी हम इसको फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करके चेक करेंगे कि अब हमारी स्टार्टिंग के बाद बेल्ट हमारा सब कुछ सही से है कि नहीं, क्योंकि बेल्ट जब लगाने के बाद बेल्ट जब लगा लेते हैं तो एक बार चेक कर लेना होता है स्टार्ट करके कि आपका बेल्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब हम इसे फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके चलिए स्टार्ट करके इसको अब चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मशीन तो स्टार्ट, अब यहाँ चेक कर ले रहे हैं हम मीटर में ताकि कोई इंडिकेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पहले इंडिकेट कर रहा था टेम्परेचर हाई का, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बाय।